खरगोन जिले में दुर्गाष्टमी के अवसर पर भावसर क्षत्रिय समाज द्वारा 403 वर्ष से अधिक समय से चली आ रही परंपरा के अंतर्गत माता का खप्पर निकाला गया। हम आपको बता दें कि गुरुवार तड़के माँ अम्बे एक हाथ में जलता हुआ खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर निकली। परंपरा निर्वहन में यह कार्यक्रम भावसर मोहल्ले के सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम झाड़ के पूजा अर्चना हुई और प्रथम पूज्य गणेश जी का स्वांग रचाकर कलाकार निकले। सुबह 4:30 बजे माँ अम्बे की सवारी निकली। इस दौरान कलाकारों द्वारा गाई गरबियों पर माता का स्वरूप एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जलता हुआ खप्पर लेकर गरबियों की धुन पर झूमती नजर आई, जिसे दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ का तांता लगा हुआ था। अम्बे का स्वांग मनोज मधु भावसार और आयुष सुनील भावसार ने रचा। वहीं भगवान गणेश का स्वांग आयुष भार्गव और प्रीत भार्गव ने रचा। हम आपको बता दें कि माँ अम्बे का स्वांग रचने वाले अधिष्ठाता भगवान सिद्धनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद ही निकलते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खप्पर निकलता है और महानवमी की
रात्रि में महाकाली और हरणाकुश और हिरणन छप्पा किस तरह मनाते हैं किस तरह मनाते हैं? तो क्या है कि हमारी परंपरा है कि इसमें दो स्वांग वाले लोग थे, हमारे जो बुजुर्ग जो देव हैं वो हमारे बच्चे तैयार हुए हैं, बिल्डिंग बजती है, दरबियाँ चलती है और माँ अम्बे का खप्पर अष्टमी के दिन निकलता है और महाकाली का खप्पर नवमी की रात में निकलता है मृदंग की ताल पे और सारे बच्चे उसमें गरबियाँ गाते हैं। इस तरह से हम मनाते हैं और सुबह हिरण्यकश्यप का वध होता है नरसिंह अवतार द्वारा, उसके बाद हम दशहरा मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन भावसर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।